अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक ऐसे फार्म पे आए हैं जो तकरीबन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो या तीन एकड़ पर ये मुश्तमिल फार्म है, और यहाँ पर भैंसें भी हैं, दूसरे भी जानवर हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो सिर्फ बकरियों के ऊपर है। बकरा शौक के बारे में हम सिर्फ बकरों के बारे में बात करते हैं या बकरियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम जिस फार्म पर आए हैं वो मिक्स फार्म है, और लेकिन हम खुसूसी बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अकरम साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे बकरियों की नस्ल के इंफॉर्मेशन लेंगे और उनका रेट पूछेंगे उनसे, और जो भी उनको उनकी नस्ल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का करम है। अंदर चले, मैं अपना फार्म तो दिखाएं, हमें बकरियां दिखाएं, हमें आपको बकरियां दिखाते हैं। जी जी, सर ये हमने बकरियां रखी हैं। अच्छा, ये कुछ वक्त पहले से हम लोग लेके आए हैं टंडोलियार से भी आगे से। अच्छा, ये टंडोलियार से आप लेकर आए? ये हमारे सिंध की, ये समझो कि ये माशाल्लाह नायाब नस्ल है। अच्छा, सिंध की नायाब नस्ल है? सिंध की नायाब नस्ल। अच्छा, इनको क्या कहते हैं वैसे? इनको नहीं, हरनी भी कहते हैं। अच्छा, हरनी भी इनको कहते हैं? जी जी, कोई किट्टी कहता है, कोई हरनी कहती है। अच्छा, किट्टी भी इनको कहते हैं, हरनी नस्ल भी इनको कहा जाता है। माशाल्लाह। अच्छा, इनके सींग इतने बड़े क्यों होते हैं? इनके सींग इसलिए इतने बड़े होते हैं कि हरन की किरास होता है। अच्छा, ये हरन की किरास होता है? हरनी की किरास में से होता है। अच्छा, उसकी बिना पे इनके सींग बिल्कुल हरनी जैसे, खूबसूरती हरनी जैसी, कद बुत हरनी जैसा होता है। अच्छा जी जी। अच्छा, एक वो जो बड़े सींग वाली है वो हमें पकड़ कर दिखाएं, वो दोस्तों आप माशाल्लाह। ये इनका नर है। अच्छा, ये इनका नर है? जी जी। अच्छा, इनके तकरीबन ये सींग कितने इंच के हैं? तकरीबन इनके 16 से 17 इंच के हैं। अच्छा, 16 से 17 इंच के ये। जी जी। अच्छा अच्छा, वैसे इनकी खसूसियत क्या होती है हिरन की? खसूसियत ये होती है कि आप इनके कान देखें। जी जी। कि बिल्कुल आँखों पे आ रहे हैं, बिल्कुल पूरे हैं, मुंह देखो बिल्कुल। अच्छा। छोटा है, हरनी जैसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, खूबसूरती में माशाल्लाह। अच्छा। मैं समझता हूँ कि इन जैसा शायद कोई जानवर होता है। अच्छा, इनकी हद से ज्यादा तो खूबसूरती की बिना पे लोग ये पालते हैं। अच्छा, खूबसूरती की वजह से ये बहुत मशहूर है। जी जी। अच्छा, वैसे ये मंडी में कितने की मिल जाती है हमें? सही जो हमने उठाया है तकरीबन, ये जो हमने उठाई है 70,000 रुपए पुट्ठे के हिसाब से फी बकरी उठाई है। अच्छा, 70,000 के हिसाब से आपने उठाई है, जिसके अंदर छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, बच्चे भी हैं। अच्छा, टोटल हमने 70,000 के हिसाब से ये बकरियां उठाई। अच्छा, 70,000 के हिसाब से। अच्छा, और दूसरी तरफ चले, हमें वो बकरियाँ दिखाएं, हमें वो दूसरी तरफ, हमने कुछ दूसरी रखी हैं। जी जी, हमें वो दिखाएं। अकरम भाई, ये कौन सा नस्ल है? सर ये बरी कहलाती हैं। अच्छा, ये बरी कहलाती हैं? जी जी, ये बरी है हमारी। अच्छा अच्छा, बरी की कुछ हमें खुसूसियात बताएं। बरी सर, इसके जैसे कानों का अंदाज होता है, मुंह का अंदाज होता है, कलर का हिसाब होता है। अच्छा। आप देखो कि बिल्कुल बेअंदाज खूबसूरत होती है। अच्छा, इसलिए इनको बरी कहा जाता है? इनको इसलिए बरी कहा जाता है कि जैसे इनके ये टीके होते हैं, रंगदार होते हैं ये। जी जी, ये इनका नर है। अच्छा, ये इनका नर है? जी जी। अच्छा, इनके कलर क्यों डिफरेंट होते हैं? क्या मतलब क्रॉस हुए होते हैं या ये एक ब्रीड नहीं है? सर ये ऐसा होता है कि इसमें हमने दो नस्ल रखी हुई है। अच्छा, दो नस्ल है अपने पास? जी जी, जैसे अब ये, अब इनको सबको अलग अलग किया जाता है। जी जी, जैसे ये ब्लैक कलर में इनको अलग किया जाएगा, जो लाल कलर में इनको अलग किया जाएगा। ये नस्ल जो है, ये नस्ल समझो कि ये एक ही बन जाती है, लेकिन सिर्फ क्या कि इनमें कलर का फर्क आता है। अच्छा, मतलब नस्ल एक ही है लेकिन इनमें बहुत सारे कलर पाए जाते हैं। कलर पाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये अल्लाह की शान है। अच्छा, जैसे चाहे ऐसे हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ी नस्ल का एक हमें मतलब बच्चा दिखाएं, उसका हमें मतलब दिखाएं, दीदार करवाएं उसका हमें। सर बच्चा अपने पास अभी इस वक्त ऐसा मौजूद नहीं है। अच्छा, बच्चा अपने पास नहीं है? अच्छा, कोई बकरी हो खूबसूरत हो, मतलब यहाँ अपने पास सबसे ज्यादा, अपने फार्म पर यहाँ सबसे मतलब जो खूबसूरत हो वो हमें दिखाएं। हमारे फार्म में ये बकरी देखे। अच्छा, ये बरी है। अच्छा, ये बरी बकरी है, ये समझो कि एक नंबर बरी है, इससे अच्छी बरी नहीं होती। अच्छा, अपने फार्म पे मतलब नहीं है ऐसी कोई भी बकरी? ऐसी माशाल्लाह कोई भी नहीं है। अच्छा, ये आपने कितने में खरीदी थी?
ये सर हमने टोटल लाट के हिसाब में खरीदा है 1,20,000। अच्छा 1,20,000 रुपये। 1,20,000। अच्छा और अकरम भाई हमें ये बताएं कि आपने ये मतलब फार्म बनवाया है बकरियों के लिए और भैंसों के लिए और हम केटल भी हैं अपने पास जैसे कि हम देख रहे हैं, तो ये तकरीबन इसमें कितना खर्चा आया आपका हमें बताएं ये सर। इसके खर्चे का अंदाज तो लगाए तो वो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब बन रहा है, करोड़ों में जाके आता है। अच्छा करोड़ों में आता है। उसकी वजह ये है कि हमने पहले से काफ़ी वक्त पहले से जी जी भैंसों का और बछड़ों का गाय का इनका शौक रखा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद अब जो है हमने थोड़ा सा बकरियों का शौक अब रखा है। अच्छा। तकरीबन बकरियों का शौक हमने ये 5-6 महीने से रखा है। अच्छा। और हमारा तकरीबन गायों का बछड़ों का इसको तो एक काफ़ी वक्त गुजर गया शौक को। अच्छा। पहले हमारा ये शौक था सिर्फ गाय पालते थे भैंसें पालते थे, अब जो है कि थोड़ा सा बकरियों का शौक हुआ है। अच्छा। वैसे हमें ये बताएं कि जो बरी बकरियां जो नस्ल है बरी बकरी जो है उनमें मतलब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो जो आम जो मतलब दूसरी बकरियों में होती हैं जैसे फिफड़ी हो गई या दूसरी हो गई हैं। इसमें बीमारी तो जो आम बकरी में सब बकरियों में आती है वो इनों में आती है, PPR आती है जी जी, जैसे फेफड़ों की होती है या दूसरी या तीसरी, ये बीमारी तो इनमें बहुत ज़्यादा होती है जी जी। लेकिन उसके लिए हम लोग इनको वैक्सीन करते हैं। अच्छा कौन कौन सी वैक्सीनेशन होती हैं हमें नाम बताएं उनके। वैक्सीन सर PPR होती है जी जी, और काफ़ी सारी ऐसी वैक्सीन है कि जो वक्त आने पे करनी पड़ती है। अच्छा 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 जी जी। अच्छा वैसे आप इनको खाने में क्या देते हैं, मतलब सर्दी का खाना क्या होता है, गर्मी का खाना इनका क्या होता है हमें तो थोड़ा सा बता। सर्दी में हम लोग इनको बबुर का पलड़ा चलाते हैं जी जी, बबुर का पलड़ा होता है, उसके अलावा जो है जैसे टंकी का डारा होता है वो देते हैं, चोकर होता है वो देते हैं जी जी, उसके अलावा जो है बबुर होता है। अच्छा। अपना वो देते हैं इनको जी जी, सर्दी के लिए इनको थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट मिले बचाओ। गर्मी के हिसाब से ये होता है कि जैसे अब चोकर और दाना अच्छा दिया जाता है, जंतर दिया जाता है, थोड़ा बहुत पलड़ा मिले टेस्ट के लिए इनको दिया जाता है। अच्छा जी जी। वैसे हमें ये बताएं कि महीने का मतलब खर्चा कितना आ जाता है आपका इन पर, जितनी आपके पास ये नस्ल है कितना आ जाता है तकरीबन? ये तकरीबन महीने का तो बहुत दूर की बात है, एक दिन का इनका तकरीबन 15,000-20,000 रुपए खर्चा पड़ता है। अच्छा 15,000-20,000 रुपए इनका खर्चा पड़ता है। खर्चा। अच्छा वैसे अपने पास कितनी है तकरीबन? अपने पास इस वक्त तकरीबन 250-300 बकरी है। अच्छा 250-300 बकरियां हैं अपने पास। अच्छा माशाल्लाह यार, ये तो मतलब महीने का तो फिर लाखों में खर्चा आ जाता होगा। लाखों में। अच्छा उसके अलावा अपने पास कुछ कामोरी भी हैं जो साइड पे खड़े हैं। जी जी। अच्छा अच्छा कामोरी भी हैं अपने पास। कामोरी भी हमने शॉप में। अकरम भाई बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। और बस आखिरी आखिरी बात हमसे हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या नसीहत करेंगे कि वो कौन सा नस्ल रखें? और कितने को ये एक शौक है, किसी का जो होता है इस पे हरनियों पे होता है, किसी का अपना जो है बरियों पे होता है, किसी का पटेरियों पे होता है, किसी का कामोरियों पे होता है। अच्छा। लेकिन ये हर किसी का एक दिल की ख्वाहिश होती है। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत समझ के पाला जाए जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा कोई भी शौक नहीं। अच्छा माशाल्लाह। दोस्तों जैसा कि अकरम भाई ने आपको ये नसीहत फरमाई कि मतलब बकरियों